अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की दे, आमीन। तो आएँ चलें, आज आप हमारा लेसन स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है इंच। सिविल फील्ड में आपने इंच का लफ्ज़ कई दफ़ा सुना होगा। तो आज हम बताएँगे कि कन्वर्जन ऑफ इंच इन टू डिफरेंट यूनिट्स, कि इंच जो है उसको डिफरेंट यूनिट्स में किस तरह कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि पहले नंबर पे इंच टू फुट इसको हम किस तरह कन्वर्ट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास ये टेबल है इंच टू फुट का। हमारे पास अगर एक इंच है तो ये फुट में कन्वर्ट होके 0.08 फुट बन जाएगा। ये जो डबल निशान आप देख रहे हैं ये इंच का है और ये सिंगल फुट का है। उसके बाद दो इंच इज इक्वल टू बराबर होगा 0.17 फीट के। इसी तरह तीन इंच बराबर होगा 0.25 फीट के। चार इंच बराबर होगा 0.33 फीट के। पाँच इंच बराबर होगा 0.42 फीट के। उसके बाद छः इंच हमारा बराबर होगा 0.50 फिट के। सात इंच इज़ इक्वल टू 0.58 फिट। आठ इंच इज इक्वल टू 0.67 फिट। इस तरह नौ इंच इज़ इक्वल टू होगा 0.75 फिट के। और दस इंच जो है वो हमारा बराबर होगा 0.83 फिट के। और 11 इंच इज़ इक्वल टू 0.92 फिट। और 12 इंच इज़ इक्वल टू 1 फुट। ठीक हो गया नाज़रीन। तो इसके बाद जो दूसरा हमारा है वो है इंच टू सेंटीमीटर, कि इंच को सेंटीमीटर में किस तरह कन्वर्ट करते हैं। तो एक इंच हमारा जो है वो बराबर होता है 2.54 सेंटीमीटर के। इस तरह अगर आपने जितने भी इंच हैं उनको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। फॉर एग्जांपल हमारे पास चार इंच हैं, एक इंच है, दो इंच हैं, तीन इंच हैं। तो अगर दो इंच है तो उसको हम करेंगे 2 × 2.54, ये हमारा इक्वल आ जाएगा 5.08 सेंटीमीटर के। इस तरह जितने भी इंच हैं आप उनको कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में तो उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 2.54 के साथ। उसके बाद हमारा जो तीसरा है वो है इंच टू मिलीमीटर। इंच टू मिलीमीटर इसको हम किस तरह कन्वर्ट करते हैं। तो जो हमारा एक इंच है वो बराबर होता है 2.54 मिलीमीटर के। इसके बाद आपने देखना है कि आपके पास कितने इंच हैं जिसको आप कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। अगर दो हैं, दो इंच, तो दो को मल्टीप्लाई कर देंगे 2.54, तो ये इक्वल हो जाएगा हमारा 50.8 मिलीमीटर के। इस तरह जितने भी आपके पास इंच हैं तो उनको मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 2.54 के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद हमारा जो चौथा नंबर है कि इंच को मीटर में किस तरह कन्वर्ट करते हैं, इंच टू मीटर। तो हमारे पास जो एक इंच है वो इज़ इक्वल टू होता है 0.0254 के। तो इसके बाद आपने जितने भी इंच हैं उनको मीटर में कन्वर्ट करना है तो उसको ज़र्ब कर देंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास 10 इंच हैं तो इनको मीटर में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो 10 × 0.0254 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो हमारा 10 इंच के इक्वल होगा। तो ये थी कि इंच को हम डिफरेंट यूनिट्स में किस तरह कन्वर्ट करते हैं। तो आने वाली वीडियोज़ में आपको फुट, सेंटीमीटर, मीटर, जितनी भी इकाइयाँ हैं आप सबको उनको कन्वर्जन का तरीकाकार बताएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो उम्मीद को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।